नमस्कार, लिब्रस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, तो इतने दिनों के बाद आया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल कुछ आपदाएँ पड़ गई थी, कुछ चीज़ें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं आपके समक्ष आ नहीं सका। पर अब टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम कोर्स को आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था पिछले कुछ लेक्चरों में, पिछले 3 वीडियोज़ में हमने देखे थे कि हम पढ़ क्या रहे थे, आर्टिकल। तो थोड़ा सा एक हल्का सा एक छोटा सा क्विक रिवीजन देख लिया जाए। आर्टिकल में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल था क्या? तो पहले तो ये देखना था आर्टिकल है कौन कौन। तो हमें 3 शब्द मिल करके सामने आए थे, अ, एन और द। और यह पता चला था यह तीनों के तीनों लगते हैं, तो किसके लिए लगते हैं? नाउन के लिए। इनके बाद हमेशा क्या आएगा? ये नाउन आएगा। यह जो नाउन के लिए आता है तो उसे कहते क्या है? एडजेक्टिव कहते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे जानते हैं हम चीजों को कि नाउन के बारे में कुछ भी बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो क्या कहना था? ये एडजेक्टिव। इसका मतलब आर्टिकल कुछ और नहीं, क्या है? एडजेक्टिव। पहली चीज तो एडजेक्टिव है तो आएगा किसके लिए? नाउन के लिए। इसका मतलब ए, एन और द के बाद क्या आता है? नाउन। पहला पॉइंट क्या देखा था हमने। दूसरी चीज की हम बात करें तो और क्या है? इनके कुछ यूजेस के बारे में देखे थे हमने। यूज के बारे में देखा था तो ये देखा था अ और एन को डिफाइन कर लिया जाए। तो कहा था कि जब हम किसी इंग्लिश के शब्द का प्रोनंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय उस शब्द के पहले अक्षर का जो प्रोनंसिएशन करेंगे उसी पर डिपेंड करेगा ए और एन का यूज। अगर उस शब्द के पहले अक्षर का प्रोनंसिएशन हिंदी का स्वर है, हिंदी का क्या है? स्वर है, तो हम लगाते हैं क्या? एन का यूज। तो हम क्या लगाएंगे? एन का यूज लगाएंगे। और अगर हिंदी का व्यंजन है तो हम क्या लगाएंगे? अ का यूज करेंगे। तो ये याद रखिएगा किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोनंसिएशन। मतलब हम इंग्लिश का कोई नाउन वर्ड है, जैसे बॉय, बॉय के साथ हम क्या लगाते हैं? अ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ शुरू किससे हो रहा है? ब से शुरू हो रहा है। इसका मतलब बा है क्या? व्यंजन है। व्यंजन के लिए सामने क्या लगाते हैं? अ लगाएंगे। लेकिन जब हमें इसी बॉय के पहले एक शब्द लगा दिया जाए ऑनेस्ट, याद रखिएगा आर्टिकल आता भले नाउन के लिए है, आर्टिकल भले अपने नाउन के लिए आता है, लेकिन इसका यूज ए या एन किसका यूज करेंगे तो हम देखेंगे आर्टिकल के तुरंत बाद वाला शब्द कौन सा है। तो हमने देखा ऑनेस्ट बॉय, लड़का कैसा है? ऑनेस्ट बॉय है। अब ऑनेस्ट के पहले हमें अ या एन का यूज करना पड़ेगा, तो हम किसका यूज करेंगे? तो यह बॉय को देख के नहीं करेंगे, हम ऑनेस्ट को पहले पढ़ेंगे। तो हम ऑनेस्ट को कैसे पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। मतलब हम पहले यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? स्वर लगा रहे हैं, और स्वर लगाते ही क्या बन जाएगा? एन ऑनेस्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट बॉय। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है। तो हमें पता चला था कि ए एन का यूज हम कहां करते हैं, तो पता चला कि कोई ऐसी चीज हो, हमने ए एन द तीनों को डेफिनेट और इनडेफिनिट आर्टिकल में बांट लिया था। हमने इसको दो भागों में बांटा था, डेफिनेट आर्टिकल और फिर इनडेफिनेट आर्टिकल। कहा था कि डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल है जो अपने बाद आने वाले नाउन को क्या बना देगा? डेफिनेट बना देगा। और इसमें कौन आता है? द आता है। इनडेफिनेट आर्टिकल वह आर्टिकल है जो अपने बाद आने वाले नाउन को इनडेफिनेट करेगा, मतलब अनिश्चित बताएगा, कहेगा वह तो कोई भी हो सकता है, तब वहां पे हम उसे इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और इसमें कौन आता है? अ और एन आते हैं। द की बात करें कैसे डेफिनेट आर्टिकल है, कैसे इनडेफिनेट आर्टिकल, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि देयर is a farmer, in a village. ठीक। अब यहां पे या फिर लिख दिया जाए in my village। अब यहां पे लिखा गया farmer, farmer के पहले क्या लगाया गया है? a का use किया गया है। तो farmer के पहले a का use क्यों किया गया? यह farmer noun है, noun के पहले तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या दिखा रहा है? कह रहा है कि एक किसान था, कहाँ पे? मेरे गांव में। अच्छा, मेरे गांव में एक किसान है था, सॉरी बात कर दिया था, हैं? अगर एक किसान था तो ये देखिएगा कि कौन, क्या उस किसान के बारे में कोई जानकारी है, कोई निश्चित जानकारी है? नहीं है। इसलिए हम इसको, यह कौन सा हो जाएगा? इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट कौन बना रहा है? अ बना रहा है। यहाँ पे अ का यूज इसीलिए किया गया। लेकिन अब बताना हो अगर अगली लाइन में कि इसी किसान के पास 4 लड़के थे, तो हम अ का ना यूज करके हम किसका यूज करेंगे? द फार्मर हैड 4 सन। अब क्यों ऐसा किया गया?
ये इस वजह से किया गया कि यहाँ पे बताया गया कि वह वही किसान है जिसके बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, मतलब अब उसे हम डेफिनेट बना चुके हैं, निश्चित बना चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया, द इसको क्या बना दे रहा है, इस नाउन को डेफिनेट बना दे रहा है, इसलिए द को हमने क्या बोला था, डेफिनेट आर्टिकल बोला था। तो कुछ इसी तरह से हमने पीछे पढ़ा था, पीछे आप वीडियोस में देख सकते हैं उसको, कि वहां पे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कैसे यूज किया जाए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यह और क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था इनके कुछ और यूजेस। हमने देखा था कि अ और एन का यूज हम कुछ ऐसे जगहों पे भी करते हैं, जैसे कह दिया जाए कि कोई एक व्यक्ति है, तो एक को दिखाने के लिए भी हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, अ और एन का यूज कर लेते हैं, वीकर वन होते हैं, ठीक। उसके बाद हमने अ और एन का यूज देखा था, हमने देखा था कि जैसे कहा जाए कि कोई सरप्राइज यूज किया जाता है, जैसे कहा जाता है कि व्हाट ब्यूटीफुल, अगर कोई ब्यूटीफुल जगह है आपके सामने, कोई बहुत सुंदर जगह है, ठीक, और उस जगह को आपको थोड़ा सा सरप्राइज वे में बताना है कि कितनी सुंदर जगह है, तो उसकी इंग्लिश क्या बताते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब यहाँ पे अ का यूज तो कर रहे हैं ब्यूटीफुल प्लेस के लिए, लेकिन किस सेंटेंस में, या व्हाट क्या प्रश्न पूछ रहा है, नहीं, यह यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी मतलब आश्चर्य वगैरह भी यूज कर दिखाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, आर्टिकल का यूज कर लिया जाता है, वो भी कौन से, और एन का यूज किया जाता है। जैसे व्हाट एन आइडिया कह दिया जाता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस कह दिया जाता है, तो हम सरप्राइज व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, और इसका यूज कर लिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि और कहाँ यूज कर लेते हैं, कि सबसे पहले बात कि जब हम किसी कॉमन नाउन, याद रखिएगा अ और एन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, अ और एन के बाद हमेशा बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आते हैं, याद रखिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आते हैं इसके बाद, किसके बाद, ए और एन के बाद, ये पीछे पढ़ा चुके हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही इसके बाद आते हैं। और क्या पढ़ा था हमने, और कुछ चीजें हमने जानी थी कि आपका ए और एन का यूज किस किस पर्पस में किया जाता है। जैसे कहा जाए कि कुछ आपके फ्रेज होते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं, जैसे कहा जाता है इन अ हरी कहा दिया जाता है, बहुत जल्दी में कोई होता है, इन अ जिफी भी कहा जाता है, तो इस तरह से कुछ फ्रेजेस में भी, कुछ डेफिनेट फ्रेजेस में भी इसका यूज किया जाता है। उसकी पूरी एक लिस्ट बना करके मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल का यूज हमने अ और एन में पढ़ा था, इसी प्रकार से हमने द का भी यूज पढ़ा था। द के यूज में हम एक चीज और देख रहे थे कि द का यूज भी कहाँ भी यूज करते हैं, तो कुछ जैसे डेफिनेट चीजें हैं, डेफिनेट चीजों में यह कह दिया जाए कि जैसे कह दिया गया कि कोई अद्वितीय चीज हो जिसके जैसा कोई उस दुनिया में और मौजूद ना हो, जैसे सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, इन सब के साथ, तो द सन का यूज कर लिया जाता है, और द मून का यूज कर लिया जाता है, द अर्थ का यूज कर लिया जाता है। फिर आपके पहाड़ वगैरह के नाम जो होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहाड़ों के नाम में भी हमने दो तरीके बताए थे। अगर कोई एक सिंगुलर माउंटेन होगा, मतलब एक अकेले पर्वत का नाम होगा, जैसे एवरेस्ट एक चोटी है, तो एवरेस्ट का नाम बताना होगा, तो हम कभी भी उसके साथ यहाँ पे द का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन वहां पे सीधे एवरेस्ट का यूज करेंगे, सीधे बोलेंगे क्या, एवरेस्ट का यूज किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई सीरीज बताना, माउंटेन सीरीज, पर्वत श्रृंखला बतानी हो, मतलब उसमें एक पर्वत ना होकर के बहुत सारे पर्वतों के समूह को दिखाना हो, तो जैसे हिमालय, तो हिमालय के आगे हम लोग किसका यूज कर लेंगे, द का इस्तेमाल कर लेंगे, तो द एवरेस्ट का यूज नहीं किया जाएगा, आपका द हिमालय का यूज लेकिन किया जाएगा, यह भी हमने वहां पर पढ़ लिया था। फिर और कुछ चीजें पढ़ी थी हमने कि द का यूज और कहाँ किया जाता है, तो द के यूज में हमने देखा था कि न्यूज़पेपर के नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम, ट्रेन के नाम, ठीक, इन सारे नामों के आगे हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, द का यूज करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमने वहां पे पिछले क्लास में पढ़ी थी। अब आइए थोड़ा सा कुछ और नई चीज जानते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना है। ए एन का एक और बहुत ही अच्छा इस्तेमाल आज हम देखते हैं, कौन सा इस्तेमाल है, जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे एक पेन दिया, सॉरी किसी ने मुझे दो पेन दिए, या किसी ने हमें पेन दिया है, हमें उस पेन देने का सेंटेंस जो है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और उस सेंटेंस को देख करके बताना है कि पेनों की संख्या कितनी है और वहां पे कौन कौन से पेन दिए गए हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए कहा जाए ही गिव मी अ रेड एंड ब्लू पेन, ही गेव मी अ रेड एंड अ ब्लू पेन। चलिए आपके साथ
सामने दो एग्जांपल लिखे गए हैं, दो आपके सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को देख करके थोड़ा सा जाना जाए कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, अगर सही गलत नहीं है तो क्या कह रहा है इन दोनों सेंटेंसेस में। पहले सेंटेंस की बात करते हैं, कह रहा है उसने मुझे दिया था, क्या दिया, एक, एक कितनी बार आया, एक बार, क्या दिया, लाल और नीली पेन दिया। तो हो सकता है कि वह पेन का रंग ही कैसा हो, लाल और नीला, लाल और नीला कलम चलता ना हो, लेकिन उस कलम के कवर का कलर जो हो वो कैसा हो, लाल और नीला हो, और वह पेन कितना हो, एक हो। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, ही गेव मी अ रेड, मतलब कितना, एक रेड और एक ब्लू पेन दिया, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एक रेड और एक ब्लू पेन मुझे उसने दिया है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं इन दोनों सेंटेंस में, दोनों के दोनों सेंटेंस सही है, इसमें से कोई ऐसा गलत नहीं है, लेकिन कह क्या रहा है, यहाँ पे उसने मुझे कितने पेन दिए हैं, एक ही पेन दिया है, और उसी पेन का रंग कैसा है, लाल और नीला पेन है, ठीक है। जैसे उसने कहा था ना कि उसने मुझे लाल नीली पेन दी, तो लाल नीली पेन मतलब उस पेन के कवर का कलर कैसा हो सकता है, लाल और नीला हो सकता है। दूसरा, ही गेव मी अ रेड एंड अ ब्लू पेन, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है कि उसने मुझे एक रेड और एक कैसी पेन दी है, नीली पेन दी है, मतलब दोनों ग्रामर के हिसाब से दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही है, बस अर्थ का अंतर है, इसमें पेनों की संख्या एक है और इसमें पेनों की संख्या कितनी है, दो है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, इन चीजों को समझते हैं कि क्या यहाँ पे यह कह रहा है। यह कह रहा है कि जब भी आर्टिकल का यूज, याद रखिए, जितनी बार आर्टिकल का यूज होगा जितने नाउन के पहले, उतने बार उस चीज को वह एक्सप्लेन करेगा, मतलब कहेगा कि वह जितनी बार आर्टिकल उतनी वस्तुएं वहां पे दिखाई देनी चाहिए। अगर वस्तु एक है तो हमें आर्टिकल का इस्तेमाल कितनी बार करना पड़ेगा, एक। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे कहा जाए The manager and the lad. दूसरा कहा जाए, The manager and lad. थोड़ा ध्यान समझिएगा इस चीज को कि क्या कहा गया है। The manager and the lad. The manager and the lad. Sorry, and lad. दोनों सेंटेंस, दो आपके फ्रेज दिए गए हैं, दोनों में कितने व्यक्तियों की बात हो रही है यही आपको बताना है। तो फिर आप देख रहे हैं द के साथ क्या लगा हुआ है, मैनेजर, मतलब कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मैनेजर और कौन, वकील, मैनेजर और वकील, मतलब दोनों के दोनों व्यक्ति कितने हैं, एक या दो, दो हैं। क्यों, क्योंकि आर्टिकल का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है, दो बार किया गया। देखिएगा यहाँ भी द, यहाँ भी द, मतलब कि मैनेजर कोई अलग व्यक्ति होगा और लायर कोई अलग व्यक्ति होगा। और यहाँ पे देखा जाए कि द मैनेजर एंड लायर, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि लायर और मैनेजर दोनों के दोनों जो है वो कितने हैं, एक ही व्यक्ति है। इसका मतलब आर्टिकल का जितनी बार इस्तेमाल और जितने नाउन के साथ इस्तेमाल, वह उतने बार उस नाउन को या उस व्यक्ति को क्या करेगा, दिखाएगा। मतलब यहाँ दो आर्टिकल तो दो व्यक्ति हैं, यहाँ एक ही आर्टिकल है तो वही व्यक्ति मैनेजर भी है और वही व्यक्ति क्या है, लायर भी है। इसका मतलब कि आर्टिकल के हम यूज के आधार पर बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने नाउन की बात की जा रही है। फिर ध्यान दीजिएगा ए एन का इस्तेमाल भी इसी तरह से होगा और द का इस्तेमाल में भी यह चीज, यह एहतियात बरतना पड़ेगा। अगर हम किसी एक व्यक्ति को दिखा रहे हैं और उस एक व्यक्ति के दो क्वालिटीज को दिखा रहे हैं, हो सकता है उसके पोस्ट दो हो, जैसे यहाँ पे पोस्ट दो है, वह मैनेजर भी है और वह लायर भी है, तो वहां पे हम लोगों ने कितनी बार इस्तेमाल किया है आर्टिकल का, एक बार, मतलब व्यक्ति इसमें कितने हैं, इसमें यह टोटल कितने व्यक्तियों को दिखा रहा है, एक व्यक्ति को दिखा रहा है, और जबकि इसमें कितने व्यक्ति को दिखा रहा है, दो व्यक्ति को दिखा रहा है, मतलब कह रहा है एक व्यक्ति मैनेजर है और एक व्यक्ति क्या है, लायर है। तो इसको अगर रूल के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि हम आर्टिकल का इस्तेमाल जितने नाउन के साथ करते हैं, या फिर अगर हमें उस किसी एक व्यक्ति के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करना हो तो, और उस व्यक्ति के एक से अधिक क्वालिटीज दी गई हो, तो हमेशा पहली वाली क्वालिटीज के साथ हम लोग क्या करते हैं, नाउन का, सॉरी, आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी एक से अधिक व्यक्तियों को दिखाना हो तो जितनी बार उस व्यक्ति को लिखेंगे उतनी बार हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यह थोड़ी सी बात, थोड़ी सी जानकारी थी, ये आपको दिमाग में रखनी है कि यह आपके आर्टिकल का एक बेसिक छोटा सा यूज था। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं आगे की क्लास में कि और क्या यूज बचे हुए हैं आर्टिकल के।
आर्टिकल के और यूज की बात करते हैं तो हमने पीछे भी कुछ पढ़ा हुआ था कि आर्टिकल द का इस्तेमाल में हम एक चीज थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि हमने एक लिस्ट बताई थी, एक छोटी सी चीजें उसमें बताई थी कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था किसमें, किस सेंस में किया था, जब हम बताए थे कि आर्टिकल आपके पेपर न्यूज़पेपर के नाम के आगे, जैसे द हिंदू, जैसे द दैनिक जागरण हो जाएगा, फिर आपके हो जाएगा ट्रेन के नाम के आगे, जैसे फिर आपका हो गया द शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, द राजधानी एक्सप्रेस हो गया, इन सारी चीज़ों की बात हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं पीछे और क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल। ए और एन के इस्तेमाल में हमने देखा था कुछ एक्सप्रेशंस को भी देखा था। हमने देखा था कि यह आपका एक फ्रेज होता है, फ्रेज में आर्टिकल का यूज जैसे यूज किया जाएगा एज इट इज उसी को वैसे ही वहां पे इस्तेमाल करना है, हम उसको उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह हमने पिछले कुछ आपके वीडियोस में देखा था। ठीक, तो ये आपका था एक क्विक रिवीजन के तौर पे। क्विक रिवीजन के बाद फिर और इसमें छोटी छोटी चीजें थी, बहुत ही छोटी छोटी चीजें, कि जैसे कह दिया जाए कि हाँ कुछ और चीजें थी कि मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन के साथ जनरली हम लोग किसका यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन का मतलब कौन नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया कि वह नाउन जो किसी व्यक्ति विशेष को निर्देशित करे। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर, अगर कहा जाए सचिन तेंदुलकर इज अ गुड प्लेयर या इज गॉड ऑफ क्रिकेट, तो अब ये देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है तो सचिन तेंदुलकर कहते ही कितने व्यक्ति आपके दिमाग में आ रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति आ रहे हैं, मास्टर ब्लास्टर। अगर एक व्यक्ति आ रहा है इसका मतलब प्रॉपर नाउन है, मतलब इसके साथ हम किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह आपका था कि प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह पीछे के लेक्चर में हमने पढ़ा था। लेकिन एक कंडीशन आती है, कभी कभी क्या होता है कि हम सचिन तेंदुलकर से किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं। जैसे मान लिया गया कि आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल में कोई लड़का हो, आपका दोस्त हो, बहुत अच्छा खेलता, जब बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो आप उसको देख करके क्या बोलते हैं, कहते अरे यार यह तो मेरे स्कूल का क्या है सचिन तेंदुलकर गए, यह मेरे स्कूल का क्या है, वह या मेरी कॉलोनी का क्या है सचिन तेंदुलकर है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्या उस लड़के ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, नहीं, उस लड़के के अंदर किसी की क्वालिटीज हैं, किसकी क्वालिटीज हैं, किसी फेमस पर्सन की। वह फेमस पर्सन कौन है, सचिन तेंदुलकर, मतलब सचिन तेंदुलकर वह शब्द जो बोल रहा है कि वह मेरे कॉलोनी का क्या है सचिन तेंदुलकर है, इसका मतलब वहां पे उसके सचिन तेंदुलकर के वेशभूषा से या उसके बनावट से कोई लेना देना नहीं है, वहां उसकी क्वालिटीज से लेना देना है। मतलब जो क्वालिटी आपके सचिन तेंदुलकर अपने पास रखते हैं वही क्वालिटी वह बच्चा भी क्या कर रहा है अपने पास रख रहा है, यही बात बतानी होती है उस सेंटेंस में। तो कभी कभी क्या होता है, हम नाम से किसी व्यक्ति के गुणों को बयां करते हैं, किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं, तो उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन क्वालिटी बताने वाला नाउन बन जाएगा, और जब क्वालिटी बताने लगता है तो वह वहां पे प्रॉपर नाउन नहीं। अब यह बताइएगा, क्या सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी रखने वाला वह एक ही व्यक्ति होगा, नहीं, दुनिया बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं जो सचिन तेंदुलकर की तरह से खेल रहे हैं। इसका मतलब हम बहुत सारे व्यक्तियों की तुलना किससे कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर से कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास एक क्या मिल जा रही, कैटेगरी मिल जा रही है, और नेम ऑफ ए कैटेगरी जो होता है कॉमन नाउन, मतलब उस परिस्थिति में सचिन तेंदुलकर क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। बहरहाल आपको इतना कुछ नहीं जानना, इतना डीप नहीं जानना, आपको बस जानना क्या है कि जब किसी प्रॉपर नाउन से किसी उस व्यक्ति की क्वालिटी बयां की जाती है तो हम उस व्यक्ति के नाम के पहले किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं, जैसे कहा जाए कि रवि इज अ सचिन तेंदुलकर आर कॉलोनी। इसका मतलब कह रहा है कि रवि जो है वो क्या है, सचिन तेंदुलकर है, कहां का, हमारी कॉलोनी का। इसका मतलब कि ये सचिन तेंदुलकर जो है वह किसको दिखा रहा है, वह इस रवि के बारे में बता रहा है कि रवि भी इस व्यक्ति की या इस सचिन तेंदुलकर की क्या रख रहा है, क्वालिटी रख रहा है। मतलब यहाँ सचिन तेंदुलकर के नाम से सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी रिप्रेजेंट की जा रही है। तो जब किसी के नाम से, मतलब प्रॉपर नाम से हम लोग किसी की क्वालिटी बयां करते हैं तो वह हमेशा क्या हो जाता है आपका, उसके आगे हम लोग आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह चीज़ हुआ। फिर इसी के साथ हम लोग जो है एक छोटी सी बात और रखते हैं कि यह तो था प्रॉपर नाम के साथ एक जगह पर, यहाँ पर इस्तेमाल किया, प्रॉपर नाउन के साथ और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मान लिया गया प्रॉपर नाउन के साथ हम कब आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल और कर सकते हैं। मान लिया गया कि आपके सामने कोई व्यक्ति आया,
या आपके पास जो है एक बुक रखी हो और उस बुक के राइटर को नाम आपने पढ़ा, आपने नाम पढ़ा लेकिन उस व्यक्ति को कभी जानते ना हो, कोई फेमस राइटर ना हो, तो अगर मान लिया गया वह किताब आपके दोस्त ने आपसे पूछी ये किताब किसने लिखी है, तो आप बताएंगे किसी मोहन ने लिखी है। तो किसी मोहन जब यहाँ पे बोल रहे हैं तो मतलब उस व्यक्ति के नाम के अलावा आपके पास कोई अन्य जानकारी नहीं है। तो फिर वही कहता है कि जब किसी व्यक्ति के नाम के अलावा और कोई अन्य जानकारी हमें प्राप्त ना हो और हमें उस व्यक्ति के नाम को दिखाना हो और यह दिखाना हो कि वह तो कोई एक उनमें से एक है, जैसे कहा जाएगा वह किसी एक मोहन ने लिखा है, मतलब मोहन नाम के कई सारे लोग होंगे, उनमें से कोई एक मोहन होगा जिसने उस किताब को लिखा होगा, मतलब वहाँ पे कई में से एक को छांटने की बात जब कर रहा है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में हम उस प्रॉपर नाउन के साथ किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं बात बोल रहा हूँ उसको, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब प्रॉपर नाउन के का यूज, कि जब सॉरी जब किसी के नाम के अलावा, किसी के नाम के अलावा उस व्यक्ति के बारे में कोई अन्य जानकारी ना हो, तब हम उसके नाम मतलब उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि दिस बुक इज Written by a Mohan, मतलब यह किताब किसी मोहन के द्वारा लिखी गई है, यहां पर यह बता रहा है, मतलब मोहन के बारे में कोई अन्य जानकारी प्राप्त नहीं, मतलब मोहन कोई प्रसिद्ध राइटर नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे कोई नाम फेमस नाम दे देता, जैसे यहाँ पे नाम दे देता कोई अमित त्रिपाठी का नाम दे देता, या फिर अगर नाम दे देता यहाँ पे कोई शेक्सपियर वगैरह का नाम दे देता, किट्स का नाम दे देता, तो यहाँ पे अ का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह अब कैसे व्यक्ति हैं, शेक्सपियर का नाम अगर आपने लिया तो इसका मतलब वह व्यक्ति अपना यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, मतलब वह प्योर क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो यह याद रखिएगा, जब कोई एक अनजान आदमी की बात की जाती, जैसे यह एक और एग्जांपल ऐसा था, कोई जरूरी किताब के बारे में ही, आपके घर कोई आया या आपके घर किसी ने फोन किया और फोन करके आपसे पूछा कि आपके डैडी हैं, या फिर आपके पूछा गया कि आपके बड़े भाई हैं, तो आपने कहा नहीं है, और फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है बता दीजिएगा कि मिश्रा जी ने फोन किया था। अगर आप मिश्रा जी को नहीं जानते हैं, या फिर उसने नाम बता दिया अपना, कहा किसी ने रमेश ने फोन किया था, तो आप बता दीजिएगा रमेश ने फोन किया था, आप अपने पिताजी को क्या बताएंगे, कहेंगे क्या कि किसी रमेश ने फोन किया था, मतलब आपके दिमाग में रमेश नाम के व्यक्ति होंगे ढेर सारे, और उन व्यक्तियों में किसी एक रमेश ने वह काम किया होगा, यही काम यहाँ पे हो रहा है। तो वही चीज, तो वहां पर भी अगर आपको दिखाना होगा तो आप क्या बोलेंगे, कहेंगे कि किसी रमेश ने फोन किया था, इसका मतलब हो जाएगा वहां पे अ रमेश का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो प्रॉपर नाउन के साथ हमने देख लिया कब हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था दोस्तों पिछले सारे के सारे वीडियोस का सम था, थोड़ा सा रिवीजन था, नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।